और दोस्तों अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको ट्रांजिस्टर MD1802FX के बारे में बताएंगे, इसकी टेस्टिंग बताएंगे, कौन सा ट्रांजिस्टर है, कहाँ लगाया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसका सिंबल भी बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर ले तो इसका सिंबल देखे दोस्तों, ये हमारा इसका सिंबल है, बेस कलेक्टर और एमिटर, इसका सिंबल हुआ। और ये देखिए जो इसका ये वाला है, ये किनारे का इसका बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है। तो दोस्तों ये हमारा यहां ट्रांजिस्टर है 1 2 3, यहां से लेते हैं 1 2 3, तो ये हमारा 1 2 और ये 3, ये 3 नंबर हुए। तो हम इसको कैसे टेस्ट करते हैं देखिए, इसको हमें सामने से पकड़ना है जिधर लिखा हुआ है, तो ये हमारा एकदम फ्रंट होता है। मल्टीमीटर किसी भी कंपनी का हो, हम इसको डायोड रेंज में सेट कर लेते हैं, किसी भी कंपनी का हो सब एक ही काम करता है, डायोड रेंज में सेट करते हैं। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर लगा लेते हैं, ये देखिए हमने बेस पर पॉजिटिव लीड लगाई है और ये नेगेटिव से हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये कलेक्टर पर भी 0.51 दिखा रहा है और इसके एमिटर पर भी 0.571 दिखा रहा है। तो दोस्तों इसके विपरीत देख चेक करें तो इसके विपरीत ये नहीं चलेगा, ये चलता है तो मेरा ट्रांजिस्टर खराब है। ये देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल एकदम सही है, ओके है। अब मैं इस वाले ट्रांजिस्टर के बीच में देख लेता हूं, ये देखिए ये मेरा ट्रांजिस्टर एकदम ओके नहीं चल रहा है, नहीं चलना चाहिए, यदि चलता है तो खराब है। तो ये ट्रांजिस्टर मेरा एकदम ओके है। अब हम बात करते हैं इस ट्रांजिस्टर को हम कहां यूज करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा ट्रांजिस्टर बहुत पावरफुल ट्रांजिस्टर है, हम इसको SMPS पावर सप्लाई में यूज करते हैं और हम और पावर सप्लाई बनाते हैं, हम इसको पावर सप्लाई में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा जनरल पर्पज ट्रांजिस्टर है, पावर वाला ट्रांजिस्टर है, तो हम इसको ज्यादातर पावर सप्लाई में यूज करते हैं। ये SMPS का एकदम ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम करता है और बहुत अच्छा ये ट्रांजिस्टर है। तो क्लाइंट भी बता देता हूं, ये MD1802FX है, तो हम इसकी जगह BU208 भी लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।